सविगेश्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो आमृषा धाम्ना स्वयन सदा निरस्त कूकम सत्यम परम धीमहि। कहते हैं जन्म आदियस अर्थात जिनसे सृष्टि होती है, उत्पन्न होते हैं और जो पालन करते हैं और उनसे ही संहार होता है। जन्मादस यतो और कैसे हैं इतरतस अर्थात अन्वय और व्यतिरिक रूप से जो भगवान के हैं इस संसार में, इस जगत में व्याप्त हैं। अन्वय और व्यतिरिक रूप से कैसे कि अन्वय रूप से अर्थात जैसे सृष्टि का जो कार्य है भगवान कैसे करते हैं अन्वय रूप व्यतिरिक रूप से करते हैं, माया देवी से कराते हैं। और जो सीधे सीधे डायरेक्ट भगवान कृपा करते हैं वो अपने भक्तों के ऊपर करते हैं, जैसे कि गज पर किया भगवान ने, जब उसको मगरमच्छ ने जो है ग्रास करने की कोशिश की तो भगवान जो है स्वयं भागे भागे आए और अपने भक्तों की स्वयं आकर के रक्षा करते हैं, तब उसको बोलते हैं अन्वय रूप अर्थात डायरेक्ट कृपा करते हैं भगवान आकर के। और व्यतिरिक रूप से माया के माध्यम से जीवों पर कल्याण करते हैं, कैसे कष्ट दे करके उन पर जो इतना कष्ट देते हैं उनको उस कष्ट से दुखी होकर के भगवान की ओर जो है वो मुड़ जाते हैं। इसलिए अन्वय और व्यतिरिक रूप से भगवान जो है संसार में भी हैं। और कैसे हैं जन्मादस यतो अनुवाद इतरतस अर्थे सौभिज्ञ स्वराट, सब कुछ जानते हैं वो हैं कि इस संसार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा भगवान सब कुछ जानते हैं। और तेने ब्रह्म हृदय सर्वप्रथम उन्होंने ही आदि गुरु ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान को प्रकाशित किया। कवय अर्थात बड़े बड़े कवि लोग और मुह्यन्ति यत सूरया जिनसे मोहित हो जाते हैं उनको जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा सृष्टि में देखने को मिला ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो कैसे हैं वो है? कि जैसे कि वारी अर्थात जैसे सड़क होती है, दोपहर में देखना जब सड़क पे आप गाड़ी में चलोगे तो ऐसा लगता है जैसे दूर से जो है तो आगे जो है ना बारिश पानी भरा हुआ है, ऐसा जो है तो प्रतीत होता है इस सृष्टि के विषय में। क्योंकि और कैसे हैं वो सुराट स्वयं राजते इति सुराट है, भगवान कैसे हैं स्वयं राजते इति सुराट, इतने सुराट है अर्थात स्वयं राजा है, वो किसी के बनाए हुए नहीं है, स्वयं है वो। और ऋग्वेद में बताया कि सूर्य का मतलब बताया कि तद विष्णु परमम पदम पश्यन्ति यत सूर्य, ये ऋग्वेद जो है बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं कि बड़े बड़े सूर्य लोग अर्थात बड़े बड़े जो पंडित लोग भी भगवान के जो तो लीलाओं को देख करके समझ नहीं पाते और मोहित हो जाते, वो सोचते हैं ये है कैसा है। ते और ऐसे परम पुरुष भगवान को हम जो है तो सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि अर्थात उन भगवान को हम क्या करते हैं प्रणाम करते हैं। और इसी प्रसंग में आगे बताते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय अर्थात भगवान कैसे हैं, भगवान के स्वरूप के विषय में बताया सतचित आनंद स्वरूप है। विश्व उत्पत्यादि हेतवे स्कंद पुराण का शायद श्लोक है, तो कहते हैं जो विश्व की सृष्टि स्थिति और लय करते हैं और तापत्र विनाशाय वो भगवान कैसे हैं जो तीनों तापों को नाश कर देते हैं। तीन ताप कौन से हैं, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप, जिनके कारण से हम लोग बद्ध जीव, हम जैसे मेरे से बद्ध जीव क्या होते हैं उसमें कष्ट पाते हैं। और श्री कृष्णाय वयम नुमः अर्थात भगवान श्री कृष्ण, कोई नहीं कह रहे श्री कृष्ण था, राधा कृष्ण को नुमः मतलब होता है हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं, नमः मतलब होता है एक वचन कि एक ही व्यक्ति प्रणाम कर रहा है। इस तरह से भगवान जो है तो बताते सत्य परम, सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि नीतं च सत्ये
सत्यस्य सत्यात्मतम सत्र नेतम सत्यात्कम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान कैसे हैं इस सृष्टि में अक्षर नाइन की तरह अर्थात नौ अंक की तरह व्याप्त हैं। जैसे महाराज जी बता रहे थे कि नौ नौ दुनिया अठारह, तो कैसे अठारह आठ एक नौ, सत्ताईस सात दो नौ, छत्तीस तीन छः नौ, तो ऐसे ही भगवान कैसे हैं इस धराधाम में इस सृष्टि में विराजित हैं अक्षर नाइन की तरह अंक नौ की तरह। कहीं से भी आगे पीछे से मिलाओगे तो नौ ही आएगा, कहीं से भी लोगे तो भगवान ही आएंगे। ऐसे जो है भगवान जो है इस धराधाम में विराजित हैं। और रामचरितमानस में भी ऐसे ही कहा गया है, जगत प्रकाश प्रकाश करामु, जगत प्रकाश प्रकाश करामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। कि भगवान कैसे हैं जगत को स्वयं प्रकाशित करते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी ऐसे लिखा है। तो इसीलिए इन भगवान के विषय में संबंध के विषय में बताया गया। और अगला श्लोक है कि भाई उस वस्तु को कैसे प्राप्त करें, उस वस्तु को प्राप्त कौन करेगा, उसके लिए कैसे हमें प्रयास करना चाहिए। तो जो अगला श्लोक है अविधेय, उसके विषय में बताते हैं कि धर्म प्रोचित कैतो अत्र परमो निर्मसराणाम सताम, वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नुन्मूलनम, श्रीमद भागवते महामुनि कृते किम वाम परीश्वरा सद्दो रिद्धि अवरुद्धते अत्र कृतिभि श्रुश्रुभि तत्क्षणात्। ये श्रीमद भागवतम के विषय बता रहे हैं कि इसको प्राप्त कौन करेगा। कहते हैं ये श्रीमद भागवतम धर्म अर्थ काम मोक्ष से रहित ग्रंथ है और इसका पालन कौन कर पाएगा, निर्मत्सर साधु लोग। अब यहां समस्या खड़ी हो गई, ये निर्मत्सर कौन बनेगा, क्योंकि भैया मच्छर में और मत्सर में बड़ी ज्यादा बड़ी अंतर नहीं है। जैसे मच्छर होता है वो हर समय डसता रहता है, ऐसे ही ये मत्सर है, इससे बचना बड़ा मुश्किल है। महाराज बड़े बड़े हमने लोगों को देखा कि अच्छे अच्छों के महाराज कच्चे उतर गए, लेकिन ये मत्सर नहीं गया, इतना खतरनाक मत्सर ये नहीं जाता। क्योंकि जैसे दूध क्या है, शुद्ध है, लेकिन जिस बर्तन में पलटना है, अगर उस बर्तन में थोड़ा सा भी कहीं खट्टापन लगा हुआ है, थोड़ा सा देखो लगा, उस थोड़े से बर्तन लगने से पूरा दूध नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ये मत्सर है, साधु है, सब कुछ गुण है, लेकिन ये मत्सर ही नहीं जाता हृदय से, ईर्ष्या द्वेष ही नहीं जाती। ये मेरा भी नहीं गया, मैं दूसरे को क्या कहूँ। तो इसीलिए ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्योंकि इसको जो व्यक्ति त्याग दिया बस वो तो साधु बन गया, लेकिन इसको त्यागना ही सब कुछ त्याग सकता है। व्यक्ति स्त्री को त्याग देगा, मान सम्मान को नहीं त्याग सकता, धन संपत्ति को भी त्याग देगा। क्योंकि कहते हैं कि कंचन त्यजना सहज है, सहज त्रिया को नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना आए। कि भैया ये नहीं त्याग सकते हम, सर कटा देंगे, सर झुका नहीं सकते हम। कि भैया सर कर कटवा कट जाएगा चलेगा, लेकिन झुक नहीं सकता, ये बड़ा मुश्किल विषय है। इसीलिए मत्सर को त्यागेगा कौन, जब तक मत्सर को व्यक्ति त्यागेगा नहीं तब तक वो भागवतम करेगा भी नहीं। करेगा भी तो उससे कल्याण न होकर के हमारा क्या होगा, अकल्याण होगा। क्योंकि श्रीमद भागवतम प्रमाण अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम यस्मिन पारमहंसम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। कि वैष्णव ही जो है श्रीमद भागवतम को जो है तो वर्णन कर सकते हैं। क्यों, वैष्णव कैसे होते हैं, वैष्णव के हृदय में ये मात्सर नहीं होता। और हम जैसे बद्ध जीवों के हृदय में ये मात्सर तो ऐसे भरा हुआ है जैसे किसी घर में भूसा भर दो, ऐसे भर गए हमारे हृदय में, जगह ही नहीं कहीं बिल्कुल भी। इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम को जो है तो एकमात्र वैष्णव ही जो है तो सेवन करते हैं, वही हमें श्रवण कराते हैं। और क्योंकि उनका हृदय जो है तो कैसा है, विमल हृदय है, उनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि नहीं है। और ये भागवतम भी धर्म अर्थ काम मोक्ष से रहित ग्रंथ है। इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम को एकमात्र जो है तो वैष्णव ही श्रवण कराएंगे और श्रवण करते हैं। आगे जो तीसरा श्लोक है जिसमें कि वस्तु की प्राप्ति अर्थात आशीर्वाद मूलक, तो कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ठीक है,
सुखमुखादमृतम द्रवसयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ कैसा है कि ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। निगम मतलब होता है वेद, और ये कैसा है, रस आलयम, ये सारे रसों का क्या है, आलय अर्थात आश्रय है। इसमें सख दास सख वासल माधुर सब कुछ होने पर भी इसमें जो प्रधानता देखी जाती है वो किसकी है, माधुर रस की। क्योंकि ब्रज है, जैसे ब्रज क्या है, यहाँ सब कुछ है, दास्य भी है, सख है, वात्सल है, लेकिन जब बात आती है ब्रज के तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो रस है वो एकमात्र कौन है, माधुर रस, अर्थात गोपियों का ही प्रेम जो है सर्वश्रेष्ठ रस है। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती उसमें लिखते हैं, कहते हैं कि क्या है श्लोक, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्णेन जकल्पिता। कहते हैं जो गोपियों की आराधना वही सर्वश्रेष्ठ, अर्थात माधुर रस के जो विषय में बता रहे हैं कि माधुर रस ही सर्वप्रधान रस है। और श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, इसका प्रमाण कौन है, एकमात्र श्रीमद् भागवतम है। इससे पता चल जाता है कि जो श्रीमद् भागवतम में एकमात्र अगर कहीं रस का वर्णन है तो किसका है, माधुर रस का ही वर्णन है। इसके बाद तीन ही श्लोक हो गए, अब कभी समय मिलेगा तो जो 6 प्रश्न है उनके विषय में बताएंगे। वांछा कल्प तरुभक्ष कृपा सिंधु ब्यवचा पैतन। भागवत से ऐसे एक चीज प्रार्थना करनी चाहिए, जो एक चीज प्रार्थना करनी जिसको सब कुछ मिल जाए, उसको जो कुछ मांगो वही मिलेगा, लेकिन ऐसे चीज मांगो जिससे एक चीज मिले तो उसको सब की चीज मिल जानी चाहिए। कहते वो चीज क्या है, कहते भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम। इसलिए एक सुंदर उदाहरण देते हैं, उसको 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 इधर करें, उसके लिए एक उदाहरण देते हैं। कहते कोई एक अंधा था, कहते वो अंधा ने उन्होंने शंकर जी को पूजा की, जब शंकर जी की पूजा की शंकर जी खुश हो गए, बोले बेटा वर मांगो, बोले बेटा वर मांगो, बोले मेरे को 3 वर चाहिए, बोले नहीं 3 वर नहीं दे सकता, जो कुछ मांगना 1 वर से मांगना पड़ेगा। वो पहले ही, वो अंधा है, पहले ही सोच करके आया था 3 चीज क्या मांगेगा, पहला चीज तो मेरे को आँख मिल जाए, दूसरे चीज है किसी हमें कुछ रुपया पैसा मिल जाए, और तीसरी चीज है किसी अच्छी सुंदर किसी लड़की से मेरी शादी हो जाए। वो अंधा पहले ही सोच करके आया था शंकर जी के ये 3 चीज मांगूंगा, लेकिन शंकर जी क्या बोले, मेरे को तुम 1 ही चीज बार मांग सकते हो, जो कुछ मांगना 1 बार से मांगना पड़ेगा। अंधा बड़ा चतुर है, सोचा क्या क्या जाए, कौन सा बार मांगे, बोले ठीक है 1 ही बार दो। बोले क्या है, कहते मैं अपना बेटे को राज महल के ऊपर में हाथी को ऊपर में बैठते हुए सोने के कटोरी में दूध चावल खाते हुए देखो, समझ गए ना, हाँ। उसने उन्होंने ऐसे 1 बार मांगे, बोले किसको, राज महल के ऊपर में, राज महल में कौन रहता है, राजा महाराज, फिर हाथी के ऊपर बैठते हुए, हाथी में कौन बैठते, पहले राजा महाराज बैठते थे, फिर क्या करे, बोले सोने के कटोरी में, सोने के कटोरी में कौन खाता है, वो भी राजा महाराज खाते हैं, दूध चावल खाते हुए बोले किसको, बोले बेटे को देखो, बोले बेटा कब होगा, जब शादी होगा तभी तो बेटा होगा ना, फिर देखूं, देखूं मतलब कि आँख जब हो तभी तो देखेगा ना, आँख बगैर वो कैसे देख सकता है, हैं शंकर जी ने देखा ही तो बड़ा चालाक है, एक बार से उसने सब कुछ उसने मांग लिया है। इसलिए भागवत को बताया ये किया निगम कल्पतरुर गलितम फलम, ये भागवत किया, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। इसलिए भागवत से हमें ऐसे एक चीज मांगो, जो एक चीज मांगे हमें जीवन में सब कुछ चीज मिलनी चाहिए, हाँ सब कुछ हमें मिल जानी चाहिए। एक चीज क्या है, कहते भगवान की भक्ति,
भगवान की सेवा और भगवान की प्रेम ही ऐसे की चीज है, जो चीज प्राप्त होने से जीव को सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए हनुमान जी क्या कहते हैं, बार बार बरमा गऊ हरसी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। गौर ब्रह्मानंद हाँ कहते हैं, कहते वो इसलिए अभी इसमें बताया ना, क्या बताया इसमें, भागवत कल्प वृक्ष है और उसमें सर्वश्रेष्ठ फल किया है भागवत। ये तीसरा श्लोक ये आशीर्वाद है, कहते हैं आशीर्वाद में क्या, आशीर्वाद में ये भागवत हमें आशीर्वाद में क्या देते हैं, कहते आशीर्वाद में ये देते हैं हैं, कहते मुहुर हो रसिका भूवी भावुका, कहते जो भावुक और जो रसिक है, कहते यही दो व्यक्ति ही, बोले ये रस को कहाँ पान करे, बोले भूवी, भूवी मतलब वृंदावन धाम में ही, भूवी मतलब पृथ्वी में हैं, कहते वृंदावन धाम में ही वो रस को हमें पान करनी चाहिए। बोले यद्यपि ये रस सभी भक्तों ने पान किए है, कहते वो असली रस किया है, बोले ये कृष्ण की अधरामृत है, कृष्ण की अधरामृत ही ये रस है। कहते ये कृष्ण की अधरामृत रस को कौन पान करती हैं, बोले ये ब्रज की गोपियाँ। बोले प्रमाण कहीं हैं, कहते प्रमाण किया है ब्रज गोपियाँ, कहते हाँ, इसलिए हमारे पुराण में बृहदारण्य, इसलिए पुराण में बताए ये जो ब्रज गोपियों ने हैं, कहते ये वेद का जो मंत्र हैं, इन लोगों ने कठोर उपासना की, किसको, बोले भगवान कृष्ण को वेद की ऋचाएँ बड़ी कठोर उपासना की, इसलिए ये वामन पुराण में बताए। जब अभी कृष्ण प्रसन्न हो गए, बोले बरमागो, बोले हमको गोपियाँ जैसे हमें प्रेम दो, बोले ये नहीं दे सकता हूँ, और कोई चीज़ को मांगो, ये चीज़ हम नहीं दे सकता, ये दुर्लभ वस्तु, और कोई चीज़ मांगो, बोले नहीं हमें यही चाहिए। तब कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, बोले ठीक है, तुम लोग सबके सब ब्रज में गोपी बन करके आओ। इसलिए कहते जो वेद का जो ऋचा है मंत्र हैं, ये एक एक मंत्र, ये एक एक गोपी रूप धारण करके ये ब्रज में जन्म हुए है। अब ब्रज में जन्म होकर क्या किया, कृष्ण को अपना पति रूप में प्राप्त किया। जब पति रूप में प्राप्त किया, कहते इन लोगों ने क्या पान की, कृष्ण की मतलब अधरामृत, ये कृष्ण की, इन लोगों ने वो जो रस है, ये कृष्ण की अधरामृत ही ये रस है, और अधरामृत को कौन पान करती हैं, बोले ये ब्रज गोपियाँ ही पान करती हैं, कहते यही इसका आशीर्वाद। तो गुरुदेव इसके लिए एग्जाम्पल गुरुदेव देख रहे बोलते थे, हम बोले कैसे भक्ति होनी चाहिए, बोले ब्रज की गोपियाँ जैसे, जैसे मनमना भव, गुरुदेव कहते थे मनमना भव, इसलिए यह मन को किसको दो है, गुरुदेव कहते जो गीता का जो सर्वश्रेष्ठ श्लोक है, मनमना भव मद भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु माम यशसि सत्यम प्रतिजानी प्रिय हसी में। तो गुरुदेव कहते मनमना भव मद भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु, गुरुदेव ने एक एक शब्द को उन्होंने अलग 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 रूप में गुरुदेव ने इसको व्याख्या किया है। कहते मनमना भव कैसे होनी चाहिए हैं, इसलिए कृष्ण कहते हैं ना मत मनास्का है उद्धव, तुम जाओ ये ब्रज में जाओ और गोपियों को सांत्वना दो। कहते इनका मन कैसे, बोले मन मनस्का, इनका जो मन है वो संपूर्ण रूप में मन को उन लोगों ने मुझे ही दिया और मन के किसको दिया नहीं। गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे ब्रज में कोई एक नवेली नई कोई गोपी शादी करके आई, बोले ब्रज में कौन शादी करके आती है, ये गोपियाँ कौन है, कहती कोई साधारण लड़की नहीं हैं, ये पूर्व जन्म के हैं श्रुतिचरी और दंडकारण्य का ऋषि, कहती ये मुनिचरी और ये सबके सब अयोध्या के जो सबके सब नारियाँ सीता जो ये सबके सब एक एक गोपी बन करके आई। अभी ब्रज में कोई एक नई गोपी शादी हो करके उसका आई नवेली आई। अभी कृष्ण रोज सवेरे जब जाते हैं गैया चराने के लिए, कृष्ण बड़ी मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं, ये बंसी ध्वनि सुनते ही जितने गोपियाँ सारे घर का सारे काम काज को छोड़कर आ जाती। बोले क्यों, बोले कृष्ण अभी गोचारण करने के लिए जाएंगे, सारा दिन कृष्ण दर्शन नहीं मिलेगा और शाम को जब वापस आएंगे तभी मिलेगा, इसलिए सब छोड़ करके गोपियाँ सब के सब आती हैं दर्शन करने के लिए कृष्ण को। अभी जो एक नई गोपी आई थी
बोले मैं भी जाऊं कि दर्शन करने के लिए, लेकिन उसका जो सांस ने कहा बोले बहुत तू मत जाया करो। बोले क्यों? बोले वो जो काला सांप है ना, एक बार काट देगा तो वो जहर नहीं उतरेगा फिर। बोले तुम डोकरी होकर जा रहे हो, तेरे को काटेगा नहीं? बोले नहीं। बोले मेरा ससुर डोकरा होकर जा रहा है, मेरे ननंद भी जा रहे, किसको काटेगा? नहीं बोले किसको नहीं, तेरे को ही काटेगा वो, है क्योंकि वो गोपी नई गोपी आई ना ब्रज में, है गोपी भाव से। बोले तेरे को ही काटेगा अभी। बोले न मैं तो जरूर जाऊंगी। वो आ करके अपना घूंघट को उतारते हुए कृष्ण को दर्शन कर रही थी। कृष्ण को तो पता कौन कहाँ किस रूप में कैसे दर्शन कर रही है। कृष्ण ने देखा ये नई गोपी आई है, इसको भाव को आगे बढ़ानी चाहिए। इतने में कृष्ण ने क्या किया, ये गोपी के तरफ में एक बछड़े का मुंह करके उसका पूछ को ऐंठ दिया। ऐंठते ही वो बछड़ा तो फुदकते हुए गोपी को सामने पहुंच गई। कृष्ण उसको बहाना बना करके आए और गोपी की जो कपल था ना गाल के ऊपर में, बंसुरी को थोड़ी सी स्पर्श किए और थोड़ी सी मीठी मीठी मंद मंद मुस्कान से उनको तरफ में देखे और एक बार तेरे से चितवन से देख करके कृष्ण वहाँ से चले गए। जब कृष्ण चले गए, अभी कहते ना कृष्ण का पांच बाण है, गोपियाँ गोपी गीत में ये गोपी गीत में कहते कृष्ण के जैसे कामदेव का पांच बाण है, हैं इसलिए कृष्ण के अंदर में भी पांच बाण है, हैं क्या क्या बाण है? एक तन का रूप माधुर्य है, इनकी जो बंसुरी की एक शब्द है, उनकी जो तेरी सी चितवन है, इनकी जो मीठी मीठी जो मंद मंद मुस्कार हाट है, कहते ये एक एक बाण है, हैं कृष्ण एक साथ में उन्होंने कामदेव ने कृष्ण के ऊपर में पांच बाण को पांच बाण मारे थे। और अगर कामदेव किसको ऊपर एक बाण मारे ना, वो एक बाण से ही मूर्छित हो जाते हैं। एक बाण को जगत में बड़े बड़े जोगी लोग भी एक बाण को सहन नहीं कर सकते हैं। और कृष्ण ने क्या किया, एक साथ में वो गोपी को ऊपर में एक साथ में उन्होंने पांच बाण को उन्होंने मारे। हे मारते ही गोपी तो ठगी से ठगी और वहीं पर बाबरी बन गई है। बन करके सबके सब कृष्ण जब चले गए, सबके सब तो वापस गए, लेकिन वो गोपी ठगी से ठगी। इतने में सांस ने तो कहा मेरी बहू कहाँ गई, सब तो सबके सब तो आ गए, मेरी बहू नहीं आई। अभी ढूंढते ढूंढते आकर के देखा वो तो ठगी सी ठगी खड़ी सी खड़ी खड़ी है, क्योंकि कृष्ण ने इनकी मान प्राण चित्त लेकर कृष्ण वहाँ से चले गए हैं, वहाँ से चले गए। अभी तो मन लेकर चले गए, शरीर जहाँ के तहाँ खड़ी है। इतने में बहू को इसे पकड़ कर हिलाए, बहू को पकड़ कर हिलाए, बोले तेरे को मैं पहले ही बोल रहा था, वो काला सांप एक बार काट देगा तो उसका जहर नहीं उतरेगा, तू सुनी नहीं, काट कर चला गया ना, चल तेरे को घर का काम में लगाती हूँ। बोले यहाँ पर बैठो और दधि मंथन कर। थोड़ी देर बाद में आकर देखती है दधि मंथन किया कर, वो राई मंथन कर रही, क्यों शरीर में तो प्राण मन तो है ही नहीं, मन तो और कहीं गया। कहते ना उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराधे ईस। मन तो एक ही है, वो एक मन तो कृष्ण के साथ में चला गया। अभी सोचा किया किया जब बोले चलने फिरने का कुछ काम में लगा दो, हो सकता मन वापस आ जाएगा। बोले जाओ कुएं से पानी भर के ले आ। एक बच्चे को हाथ में पकड़ा दिया, दो तीन मटकी सर पर रख दिया, रस्सी पकड़ा दे जा पानी भर कर ले आ। वहाँ पर और भी कुछ गोपियाँ पानी भर रही थी। इसने किया कि वो कलसी में फांद क्या लगाएगी रस्सी की, वो जो बच्चा था ना वो बच्चे के गले में फांस लगा दी और वो बच्चे को ही कुएं में उतार रही थी। सब लोग बोले इसको भूत पकड़ लिया, इसको भूत पकड़ लिया। लेकिन वहाँ पर कुछ अनुभूति संपन्न गोपियाँ थी, उनको पता है कृष्ण रूपी भूत लगे तो क्या स्थिति है। एक ने बोले उसको भूत नहीं, ये नंद बाबा मैया जसोदा का पूत लग गया है, हैं इसको पूत लग गया है। इसलिए साधारण भूत होता तो वो उतर जाता, लेकिन ये भूत ऐसे है ना, अगर लग जाए तो उतरने वाले नहीं, दिन प्रतिदिन इसका प्रकोप बढ़ेगा। जितने मंत्र जप करोगे ना, जैसे भूत लग जाए मंत्र से झाड़ा लगा देते हैं उतर जाता कि नहीं, लेकिन ये ऐसे भूत है ना, जितने मंत्र पढ़ोगे उतने ज्यादा भूत का ज्यादा असर होता है। इसलिए गुरुदेव यहाँ उदाहरण देते थे गुरुदेव कहते भागवत जो तृतीय जो श्लोक है, जो आशीर्वाद भागवत हमें क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, भागवत हमें यही आशीर्वाद देती है। एक दिन कृष्ण रंग में,
कृष्ण भक्ति में कृष्ण प्रेम में ऐसे रंगो हैं, जैसे ये ब्रज की गोपियां जैसे उसमें रमी हुई है। कहती है भागवत हमें यही आशीर्वाद देती हैं। इसलिए जो तीसरा श्लोक है ये आशीर्वाद आत्मक ये श्लोक है, भागवत हमें यही आशीर्वाद देती है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री त्रिदंडी स्वामी परिव्राजक आचार्य शेषन भक्ति विदान श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, एवं मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म श्रीपाद परमेश्वरी प्रभु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम, एवं यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णव के इस चरणों में यथायोग्य प्रणाम। हम गुरुदेव से श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया था मंगलाचरण श्लोक की कथा के बोलने के लिए, तो मंगलाचरण में तीसरा श्लोक निगम कल्पतरुर गलितम, इसमें अभी गुरुदेव ने भी बताया और हमारे भी तुलसी प्रभु जी भी बता के गए, इसमें जो है प्रयोजन भी बताया है और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। अभी गुरुदेव बता रहे थे आशीर्वाद क्या, मुहु रहो रसिका भुवि भावू का। मुहु रहो मतलब निरंतर इसका इस पृथ्वी पर कहाँ वृंदावन में इस श्रीमद् भागवत का निरंतर पान करते रहो, ये आशीर्वाद दे रहे हैं। और प्रयोजन क्या बताया, पिबत भागवतम रसम आलयम, यह जो भागवत है सभी रसों का आश्रय है, इसमें सारे रस विद्यमान हैं, फिर भी सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है, मधुर रस। क्या बताया, पिबत भागवतम, किसका जो है निरंतर पान करते रहो। अब इस रस का कौन पान कर सकता है, ये जो भागवत है इसका इस रस का पान करने का अधिकारी कौन है। हमने श्रवण किया था चैतन्य भागवत में भी आया था, प्रभु जी ने बताया था कि इस रस का पान करने का प्रत्येक जीव ही अधिकारी है, क्योंकि जीव कौन है, भगवान का ही अंश विभिन्न अंश है जीव, इसलिए वह जो है इस रस का अधिकारी है। और इसमें जो प्रयोजन बताया है क्या, कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण प्रेम को देने वाला है, कृष्ण भक्ति को देने वाला है। तो जीव का जो है कृष्ण भक्ति जो है उसका प्रयोजन है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से प्रभु जी ने बताया था, जैसे माता पिता के एक बच्चा होता है, उस बच्चे को क्या चाहिए वो माता पिता सब जानते हैं, परंतु उनको आनंद कब होता है, जब वो बच्चा उनसे कुछ मांगता है ना, क्या पाप अगर पिताजी उसके बाजार जा रहे हो और वो बच्चा बोले कि पिताजी मेरे लिए बाजार से कुछ खाने की वस्तु या कुछ खिलौना ले आना, तो उनके हृदय में और अधिक आनंद होता है सुन करके। इसी प्रकार जो कृष्ण भक्ति है वो क्या है, जीवों का अपना निज संपत्ति है, अगर हम उसको भगवान से मांगते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, भगवान को और आनंद होता है उससे। अगर ना भी मांगे तो क्या दोष है, ना भी मांगे तो कोई दोष नहीं है, भगवान उसे हमें देंगे ही देंगे, किसी ना किसी जन्म में अवश्य प्रदान करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए हमें साधन करना पड़ेगा, वो साधन जब हम करेंगे तो कई जन्मों के बाद वो भगवान पर डिपेंड करता है, वो कब देना चाहें वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन साधन अवश्य करना पड़ेगा, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधन करना ही पड़ता है, बिना साधन के कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है।
अगर यहाँ पे मान ले कि कोई भी वस्तु बिना साधन के प्राप्त नहीं होती है, तो भक्ति क्या हो गई? साधन के अधीन हो गई, और भगवान भी साधन के अधीन हो गए। परंतु ऐसा नहीं है, भक्ति और भगवान साधन के अधीन नहीं है। वो कैसे भी दे सकते हैं, परंतु बद्ध जीव जो है ना, इस संसार में आकर के फंस जाता है, भगवान को भूल जाता है। और जब भगवान को भूल जाता है तो उसको क्या फिर साधन करना पड़ता है, बिना साधन के जो है उस मार्ग पर नहीं पहुंच पाता है। ऐसे ही इस भक्ति को करने का, भगवत प्रेम को प्राप्त करने का क्या तरीका है? साधारण जगत में लोग कहते हैं कि भक्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। जैसे कि पद्यावली एक ग्रंथ है, उसमें बताया व्याधस्य आचरणम दुर्वस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य क्या कुबजाया किमु नाभ रूपम अधिकम किम तत्सुदामनो धनम वंशा का विदुरस्यो यादव पतेग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यन्ति केवलम नाचे गुणे प्रिय भक्ति माधव। इसमें बताया कि भगवान जो हैं नाचे गुणे प्रिय भक्ति माधव, भगवान गुणों को नहीं देखते हैं। भगवान क्या देखते हैं? भाव। इस व्यक्ति इसके अंदर भाव क्या है, उस भाव के माध्यम से ये भगवान जो है उसके हृदय में भक्ति को प्रवेश करा देते हैं, जिससे वो उसके माध्यम से भगवान की सेवा करके आनंदित होता है। अब इसमें जब बताया व्याधस्य आचरणम, कि उस व्याध का क्या आचरण था, जो बाहर जगत में लोग कहते हैं कि आचरण अच्छा होना चाहिए, और उस व्याध का क्या आचरण था, जो जंगल में पशु पक्षियों का वध कर रहा था। वो ऐसे मार मारता था कि वो पशु या पक्षी ना तो मर रहा है और ना जी रहा है, वो अधमरा करके छोड़ देता था। अब अकस्मात उधर से नारद जी गुजर रहे थे, नारद जी ने देखा ये सब क्या हालत हुई पड़ी है, सारे पशु पक्षी सब अधमरे होकर के पड़े हैं। वो धीरे धीरे इसी आगे बढ़ने लगे, तो उस व्याध को, वो जो व्याध था वो छिप करके बैठा था शिकार की तलाश में। नारद जी की नज़र उस पर पड़ी, नारद जी ने पूछा उससे कि भाई तुम ये सब क्यों कर रहे हो? बोले मुझे देख करके बड़ा आनंद होता है, जब ये छटपटाते हैं तो मुझे बड़ा आनंद होता है। नारद जी बोले तुम्हें तो आनंद हो रहा है, लेकिन इनको क्या कष्ट हो रहा है, तुम्हें इस चीज़ की अनुभूति है? बोले मुझे तो कोई अनुभूति नहीं है। तो नारद जी ने क्या किया, अपने कमंडल में से जल लिया, उसके ऊपर उसमें आकाश में छिड़का, तो उसने क्या देखा, उसको नारद जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की, उसको दिखाया कि जितने जानवर और पक्षी उसने मारे थे सब उसको मारने के लिए तैयार खड़े हैं, कि कब वो यहाँ पर आए और हम उसको मारेंगे। उसको ये सब देख करके उसका हृदय जो है घबरा गया। वो उसके बाद नारद जी ने उससे पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? बोले मैं तो शिकारी हूँ, मेरा तो ये काम ही है करना, बोले मैं अपना परिवार का पालन पोषण इसी से करता हूँ, इस तरीके से। तो नारद जी ने पूछा कि जो तुम ये पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारे परिवार वाले इसमें भागीदार होंगे? बोले तो मुझे पूछ के आना पड़ेगा। तो बोले जाओ पूछ करके आओ उनसे। वो दौड़ा दौड़ा गया उनसे पूछने के लिए, जाकर के अपने माता पिता से, पत्नी से, बच्चों से, सबसे पूछा, तो सबने मना कर दिया, ये तुम्हारा तो कर्तव्य है हमारा पालन करना, अगर तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा। इस प्रकार सबने मना कर दिया, और फिर वापस नारद जी के पास दौड़ा दौड़ा आया, बोला उनके चरणों में गिर गया, बोला मुझे जो है क्षमा करें और मुझे इससे मुक्त होने का उपाय बताएं। तब नारद जी ने उसको कहा कि तुम भगवान का भजन करो, तभी तुम इससे मुक्त हो सकते हो और भगवत प्राप्ति कर सकते हो। तो भगवान नारद जी ने उनको बोला कि तुम भगवान राम का नाम लो। अब वो राम का नाम
ऐसी स्थिति हो गई है उसकी, क्योंकि राम का नाम ही निकल पा रहा है उसके मुख से। तो नारद जी ने कहा, हाँ ठीक। और मैंने कुछ नहीं था, कुछ पढ़ा ही नहीं था इसलिए। हाँ, वृंदावन प्रभु कहाँ है? वृंदावन, वृंदावन, ओ वृंदावन, वृंदावन चंद्र क्या कर रहे हैं इधर आप? हाँ, ये जितना उल्टा काम करता है, कभी सीधा काम करता नहीं, और खाते समय सोएगा, सोते समय खाता है। इधर बैठो। हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै यस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हम लोग दो दिन पहले श्रवण कर रहे थे श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, परीक्षित तुम कोई चिंता मत करो, लेकिन जो खट्टांग जो राजा है इन्होंने एक मुहूर्त में उन्होंने भगवत प्राप्त कर लिया, और तेरे पास में तो साथ ही दिन है तेरे पास में, इसलिए कोई चिंता मत करो, यहाँ पर बैठो, केवल भगवान की कथा सुनो, और भगवत कथा श्रवण करते करते ही तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो गुरुदेव इसी विषय के ऊपर बहुत अच्छी एक कथा सुनाते थे। ये जितने स्टोरी है ना, स्टोरी को सब याद कर लेना है। गुरुदेव एक सुंदर कथा सुनाते थे। गुरुदेव कहते थे केवल श्री
परीक्षित महाराज जी के पास में 7 दिन था ऐसे बात नहीं, गुरुदेव कहते थे हमारे पास में ही 7 ही दिन है, हमारे पास में 8 दिन नहीं है, हमारे पास में 7 ही दिन है। तो गुरुदेव कथा सुनाते थे कैसे एक समय कोई एक राज दरबार में कोई एक साधु कैसे राजा से मिलने के लिए आए, और राजा से मिलना चाहते हैं। राजा सोचा साधु किस लिए आते, कुछ पैसा लेने के लिए आए होंगे, तो उन्होंने 101 रुपया भेज दिया। साधु बोले मैं पैसा लेने के लिए नहीं आया, कोई विशेष काम के लिए, केवल 1 मिनट बात करना चाहता हूँ, कोई जरूरी काम। बोले सियाद इसमें पेट नहीं मन नहीं भरा, 5 से 1 रुपया भेज दिए तब भी नहीं लिए, 1101 रुपया भेज दिए तब भी नहीं लिए। राजा बोले मेरे पास में कोई समय नहीं संतों से मिलने के लिए। तो उन्होंने कहाँ गए, रानी को पास में गए। रानी को जब पता चला किसी साधु मिलने के लिए आए, बोले संतों को अंदर में बुला करके ले आ। तब उनका आसन देख कर बैठा है, प्रणाम किए, बोले बाबा आपका हम क्या सेवा करें। बोले महारानी मैं तो कोई विशेष जरूरी काम लेकर के आया था, राजा से मिलने के लिए, राजा मेरे को मिलने नहीं दिया। बोले मुझे ही बताओ, मैं ही सेवा कर दूंगा। इस सब कथा को याद कर लेना, प्रेमानंद परमानंद, कल सबको पूछूंगा, देखूंगा कौन उत्तर कोई बोल पाता है। इसलिए तब उन्होंने बोले बता आपका हम क्या सेवा करें। बोले महारानी ध्यान देकर सुना, मैं भजन करते करते अपना दिव्य दृष्टि से देखा है ये जो राजा 7 दिन में मरने वाला है, मैंने सोचा कम से कम इतना तो उपकार कर दे, उनको तो बोलते थे 7 दिन में मरने वाले, इसलिए ये बात मैंने बताने के लिए आया था। लेकिन राजा मेरा बात ही नहीं सुने, अभी अभी शादी हुई, घर में रानी आए, अगर कोई बोले रानी के बोले राजा 7 दिन में मर जाएंगे, बताओ क्या होगा। वो तो घबरा गए, बोले बाबा क्या बोले, क्या सच, बोले ध्रुव सत्य है, ये 7 दिन में मरने वाला है, यही तो मैं बताने के लिए आया था, राजा को बोल देना मैं जा रहा हूँ। रानी इतना घबरा गई, एक दासी को बोले अभी अभी राजा को बुला करके आओ, रानी कोई विशेष काम के लिए बुला रहे हैं। कहते अभी साधु आए थे, उनके पास में 1 मिनट समय नहीं हुआ, लेकिन जब सुधा रानी बुला रही है कोई जरूरी काम, ये सारे काम को छोड़कर भागते भागते आए। बोले क्या काम पड़ गया तुम्हारी, अभी अभी तो मैं ऑफिस में गया था। बोले कोई बाबा मिलने के लिए गए थे। बोले हाँ। बोले आप उनसे मिले हो। बोले समय नहीं था, मैं राजकार्य में बिजी था। बोले महाराज शास्त्र कहता है जब संतों का तभी दर्शन होता है जब अति हरी कृपा जा पर होई है, जब भवा अपवर्ग भ्रमेत जता जन्नस्य तहिर अच्युत सत समागम। साधु दर्शन ऐसे नहीं होता है, कद जीवन का जब सद्भाग्य कोई उदय हो, जीवन का सारे दुख जब जीवन में समाप्त हो जाए तब भी कहीं साधु दर्शन होता है। भगवत दर्शन तो सुलभ है लेकिन तत्रा भी दुर्लभ मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवत दर्शन से भी साधु दर्शन दुर्लभ है। कोई साधु आए तो आपके पास में कोई समय नहीं था, अरे मैंने बुलाया था भागते भागते आ गए हैं। बोले अरे बात तो क्या बताओ। बोले बात तो बड़ी गहरा बात है, बड़े गंभीर बात है। बोले क्या है। बोले वो संत इसलिए आए थे, वो हमें बताने के लिए, उन्होंने भजन करते करते अपना दिव्य दृष्टि से देखा आप 7 दिन में मरने वाले हो। अगर किसी को बोल दो जवान हो, अभी अभी नई नई घर में बहू आई, शादी हुई, बोल दो 7 दिन में मर जाओगे, बताओ क्या होगा। पहले मर जाएगा ना, ये गौरव को पता है, शादी तो हुई नहीं तुम्हारी, इसीलिए कहते पहले ही मर जाएगा। बोले 7 दिन में मरने वाला हो, इतना राजबाड़ छोड़कर। इतने सुनते ही तो राजा घबरा गए। बोले क्या बात है, सही। बोले ये सही बात है। बोले बाबा गए कहाँ। बोले तो चले गए। बोले बुला करके लाओ जल्दी, सिपाही को भेज करके बुला करके लाए हैं। बोले पालकी में बैठा करके लाओ, अभी तो कहते बात नहीं सुन रहे थे, अभी चरण में गिरे हैं, अभी प्रेम से आसन देकर बैठा है, चरण में गिरे। बोले बाबा आप तो विशेष जरूरी काम लेकर के आए थे लेकिन आपसे मैंने मिला नहीं, मेरा अपराध हो गया। आप बताया मैंने क्या, 7 दिन में मरने वाला हूँ। बोले हाँ। बोले ये सच। बोले ध्रुव सत्य है, अब 7 दिन में ही मरोगे। राजा तो घबरा है। बोले कोई चिंता की बात मत करो, आप बहुत बड़े दानी राजा हो, बहुत दान पुण्य किया, इसलिए आपको अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बोले फिर, लेकिन वहाँ पर एक चीज की कमी। बोले क्या। कहते वहाँ बहुत बड़े बड़े मच्छर है, जब अब सोगे ना वो मच्छर काटते रहेगा, आपको सोने नहीं देगा। बोले फिर। बोले चिंता मत करो, वहाँ मच्छरदान का व्यवस्था है,
लेकिन तब भी एक चीज की कमी, बोले किस चीज की, बोले मच्छर दान का कोड़े में एक छेद है, उधर से ये मच्छर घुस करके तुमको काट सकता है, पर नींद नहीं आएगी। बोले फिर, बोले फिर क्या, मरते समय एक सुई धागा लेकर के जाना और उसको सिलाई कर दो के बाद चैन की नींद आएगी। बोले बाबा अब क्या बता रहे हो, सुई धागा ले जाने के लिए। बोले और क्या है कि सुई धागा ले जाना। बोले कैसे ले जाएंगे, जब मरेंगे तो यहीं पर सब छूट जाएगी, हैं, मरेंगे तो शरीर यहीं छूट जाएगी, यहीं पर तो जला देंगे, सुई धागा कैसे ले जाऊंगा। बोले तेरे को पता है कि सुई धागा भी नहीं जाएगा। बोले दुनिया को पता है ये बात, दुनिया को पता है। बोले महाराज मैं आपको इतनी सी बात समझाना चाह रहा था, जब ये संसार छोड़ करके आप जाओगे एक सुई धागा भी तेरे साथ में जाने वाले नहीं। बोले बताओ तो जो चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं क्या बोलते बोलते, बोलते राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा। बोले मतलब क्या है। बोले जितने राम और कृष्ण का नाम ले रहे हो वही सत्य और जगत में झूठा है। बोले महाराज आपको मैं इतनी सी बात समझाने के लिए आया था, ये संसार जब आप छोड़ करके जाओगे एक सुई धागा भी नहीं जाएगी, जितने तुम राम का और कृष्ण का नाम ले रहे हो केवल तेरे साथ में वही जाने वाला और कोई कुछ जाने वाले नहीं। इसलिए बताओ आप ये सच चीज के लिए कितने समय दे रहे हो और ये झूठा चीज के लिए, जहाँ की यहाँ के एक सुई धागा तक भी साथ में नहीं जाएगा, उसके लिए कितने समय तुम देते हो और जो चीज जाएगा उसके लिए कितना समय दे रहे हो। आपको मैंने इतनी सी बात समझाने के लिए आए थे। बोले महाराज कान खोल कर सुन लो। बोले बताओ बताओ, आप लोग भी सुनो, मैंने आपको ये नहीं बताया था 7 दिन बाद में मर जाओगे। क्या बताया था, 7 दिनों में मरोगे। दिन कितना होता है, 7 ही है, 8 नहीं होता है। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, दिन 7 ही, 8 दिन नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति मरेगा ये 7 दिनों को अंदर में एक ना एक दिन शरीर छोड़ेगा, हैं, लेकिन शरीर छोड़ते समय एक सुई धागा भी साथ में जाने वाले नहीं। जब उन्हें ये बात बताए ना, राजा तो आधा मर गया था फिर जिंदा हो गया, क्योंकि वो क्या सोच रहा था, 7 दिन बाद में मरूंगा, यही तो सोच रहा था 7 दिन बाद में मरूंगा। लेकिन बाबा ने क्या समझाया, दिन 7 ही है, जब हम मरेंगे 7 दिन अंदर में एक ना एक दिन मरेंगे, मतलब 7 दिन बाद में तू नहीं मरोगे, 7 दिन बाद में नहीं मरोगे, कब मरोगे, 7 दिनों में एक ना एक दिन तुम मरने वाले हो। राजा को 2 बार जाना आ गया है, क्योंकि सोच रहा था 7 दिन बाद में मर जाएगा। फिर साधु ने क्या किया, ऐसे के माला और झोली है, माला झोली पकड़ वाले लो, ऐसे ये हरिनाम करना, भगवान के लिए भी थोड़ा समय दो, दिन भर के बोलो कमाई 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 कमाई, कम आई ज्यादा आनी चाहिए, कम आई और ज्यादा आनी चाहिए, इसकी चक्कर में तो पड़े हुए हो, यहाँ के सुई धागा नहीं जाएगा, लोग माला लो हरिनाम करना। राजा कहा बाबा हमारा जीवन तो आपने परिवर्तन कर दिया, हमारा जीवन को आपने बदला दिया। बाबा को चरण में गिरे और भगवान का नाम की माला ली और तब से उन्होंने क्या की, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम, जोर से बोला बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बस तब से भजन, तो गुरुदेव ये कथा सुनाया करते थे, हैं, इसलिए केवल खट्वांग महाराज के पास में 7 दिन था, परीक्षित महाराज के पास में ऐसे नहीं, उनको पास में तो ये पता था 7 दिन पहले वो मरने वाले नहीं। लेकिन हमारे पास में कोई क्या गारंटी कार्ड है, किसको पास में गारंटी कार्ड है बताओ, कौन बोलेगा गारंटी कार्ड हमारे पास में नहीं। इसलिए कहते तृणम, क्या है तृणम, जतेत न पतेत अनमृत जावत, जितने जल्दी से हो, कितना कल कर सो आज करो और आज कर सो अब। इसलिए पल में प्रलय होगी, बहुरी रहेगी कब, ये मत समझो अभी थोड़ा संसार में जाए, पढ़ाई लिखाई करे, नौकरी चाकरी करे, शादी शुदा करे, समय होगा तो भजन कर लेंगे, थोड़ा सा हरिनाम कर लेंगे। भैया अभी देखना ना करुणा क्या कर रही है,
ये करुणा कैसे किसको पूछ रहा है, इतना उम्र है, मैं जिधर फोन करता हूँ उधर मरा 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 सब जगह पर मेरे पास में फोन आता है ना, सारा दुनिया की फोन आता है, कहते मेरा बेटा मर गया, मेरे पति मर गया, उसका एक बच्चा है अभी छोटा है, उसको पिताजी मर गए, उनके तीन तीन ही बच्चे, अभी फोन आया था, तीन तीन ही बच्चे हैं, उनको कोई घर में है ही नहीं है, ये उम्र में मर गया। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, अभी जाकर थोड़ा पढ़ाई लिखाई करे और नौकरी चाकरी करे, शादी शुदा करके थोड़ा भजन करेंगे। भैया जितने जल्दी हो, बोले त्रुणाम जितने जल्दी हो भगवान के भजन में लग पड़ो, विषय खलु सर्वत्र स्यात्। ये संसार तो हर जीवन में तो यही करते करते आए, और क्या क्या जिंदगी में, गधा बने तो गधी मिल गई, गधी मिले तो गधा मिल गया, सुअर बने तो सुअरी मिल गई, सुअरी बने तो सुअर मिल गया, जिंदगी भर सारा जीवन में क्या करते करता यही तो किया। इसलिए हमारे से त्रिविक्रम महाराज कहते थे, बोले मैं भजन में क्यों आया, त्रिविक्रम महाराज कहते मैं भजन में क्यों आया, त्रिविक्रम महाराज कहते पहले संतों को मैं चिढ़ा इनको देख कर चिढ़ता था, बोले इनका कोई काम धन है नहीं, छोटी माला तिल ला करके केवल हरिनाम करते हैं और बैठ बैठ कर खाते हैं, कोई काम धंधा इनके है नहीं। वो बोल त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, बोले संतों को मैंने इतने घृणा करता था, जगत का जंजाल सब जादू है, कोई काम धाम नहीं, तिलक लगा कर हरिनाम करते हैं, कोई काम धाम नहीं। लेकिन इनकी चक्कर में पड़ गया लास्ट में, हाँ कहते इनकी चक्कर में लास्ट में पड़ गया है। इसलिए क्या करो, बोले जितने जल्दी हो भगवान की भजन में लग पड़ो, हैं भजन लग पड़ो, इसलिए क्योंकि किसको पास में कोई गारंटी कार्ड है नहीं, इतना दिन तक मैं बचने वाला हूँ, ठीक है ना। और एक बार बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस समय तुमको पता चलता है तुम्हारी शरीर छूटने वाले हैं, हैं क्या करो, उसी समय में ये संसार को त्याग दो, संसार को त्याग दो। बोले संसार क्यों त्याग दे, क्या घर में भजन नहीं हो सकता है, घर में क्या भक्ति नहीं हो सकता है। देखो हमारे गुरु जी एक कथा सुनाते थे, इसको अच्छे तरह से ध्यान देकर सुनो, तुषार प्रभु अच्छे तरह से सुनो, ये गुरु जी कथा सुनाया करते थे, संसार में क्या भजन कर नहीं सकते हैं, ये गुरु जी कथा सुनाते थे। बोले एक समय कोई एक व्यक्ति था, उसको तीन बेटे थे, हैं तीन बेटे थे तो उसने पहले लोग तो गीता रामायण भागवत पढ़ते थे सब, इसलिए पढ़ने का पहले तो टीवी वी स्मार्टफोन नहीं होता था, लोगों को समय होता था तो गीता रामायण बैठकर पढ़ते थे गांव गांव में, ऐसे टोल टोल हम भी ऐसे भक्ति में आए, हमारे गांव में भी बैठ बैठ कर सब लोग बैठ जाते थे, वहां पर रामायण महाभारत तो पढ़ाई होता था, लोग बैठ करके गांव के लोग शाम को बैठ कर सब सुनते थे। तब पहले सब जानते थे ये जीवन दुर्लभ है, ये दुर्लभ इसी जीवन में ही भजन होगा, 84 लाख जोनी के बाद में जीवन मिला, भगवान तो बारम्बार जन्म देते ही नहीं है, इसलिए जीवन कष्ट से मिला है, सबको पता था जीवन में भजन करनी चाहिए, जीवन में गुरु ग्रहण करनी चाहिए है। अभी जब तीन बच्चे थे, बच्चे जब धीरे धीरे बड़े हो गए तब उनका शादीशुदा हो गया, काम धाम उनको लगा दिया, उसने सोचा भैया जीवन तो वैसे ही चला गया संसार करके घर गृहस्थी करते हुए, अभी जो बच्चा कुचा हुआ थोड़ी जीवन उसको वृंदावन में जा करके सत्संग करते हुए भजन करते हुए जीवन को बिताए। एक दिन उनने तीनों बच्चों को बुलाया, बोले बच्चों जदू श्याम मधु इधर आओ। बोले क्या बात है पिताजी, बोले देखो मेरा जीवन तो गया ऐसे बीतते हुए, भजन नहीं कर पाए, तुम लोगों को लिखाना पढ़ाना नौकरी शादीशुदा करते हुए जीवन गया, मैं सोचता हूँ जो बच्चा कुचा हुआ समय को हम वृंदावन में रह करके सत्संग करते हुए भजन करते हुए बिताओ। बच्चों लोगों ने राजी हो गए, बोले पिताजी कोई चिंता नहीं, हम तीनों भाई काम में ठीक ठाक है, तीनों भाई थोड़ी थोड़ी पैसा मिला करके देंगे आपको, एक घर किराए में ले लेना और वृंदावन में बैठ कर खूब भजन करो, खूब सत्संग करो। जब उन्होंने बच्चों ने ये बात बता दिया ना, इतने में जब बूढ़ा चला गया और तीनों बहुओं ने तीनों बच्चों को बोला, बोले इधर आओ, बोले ये बूढ़ा कान में क्या मंत्र दे रहा था, ये बूढ़ा मंत्र में क्या कान में क्या मंत्र दे रहा था। बोले ये बता रहे थे जे अंतिम समय में वृंदावन में जाकर थोड़ा भजन करेंगे, तुम लोगों को लिखा पढ़ा बड़ा कर दिया, तुम लोग ठीक ठाक काम धाम में हो, हमने सब कोई बात नहीं, हम थोड़ी थोड़ी पैसा इकट्ठे करके हर महीना में भेजते रहेंगे, आप भजन करो। बहू ये क्या कह रहे हैं, बोले तुम लोग से ये घर गृहस्थ नहीं होगा,
कल ये बूढ़े को साथ में तुम भी अपना बेडिंग बिस्तरा को बांधो और तीनों तुम ये बूढ़े को साथ में वृंदावन जाओ और तुम तीनों ही वहां पर भजन करो, तुमसे घर गृहस्थ नहीं होगा। घर में तो बच्चों का बात नहीं चलता, बहू की बात चलती है। बोले क्यों ऐसे क्यों कह रहे हो? बोले इतने मूर्ख तुम तीनों हो, हैं ऐसे मूर्ख दुनिया में मिलेगा? अरे ये घर में जब ये बच्चे को ये बूढ़ा पकड़ता है, एक नौकर का काम होता है, जब घर की दरवाजे को सामने बैठता है, बिना पैसा का एक दरवान का काम होता है, जब इसको दुकान में कोई सामान लेने के लिए भेजो, बिना पैसा का एक नौकर का काम होता है। अगर ये बूढ़ा चला जाएगा वृंदावन, तुमको एक चौकीदार ढूंढना पड़ेगा कि नहीं, और एक नौकर रखना पड़ेगा कि नहीं, और इतना बिना पैसा का इतना बढ़िया नौकर दरवान मिलेगा तुमको? ये उनकी बोली है, हमें गुरु जी कथा सुनाते थे। तुमको मिलेगा ऐसे नौकर दरवान मिलेगा? फिर उल्टा तुमको पैसा देना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा वृंदावन, तुमसे घर गृहस्थ नहीं होगा, तुम जाओ भजन करो वहीं पर। बच्चे तो चुप। हाँ, बोले क्या करना पड़ेगा? बोले चुप रहो, ये बूढ़े से कोई बात मत करो, अगर फिर दोबारा बुलाए ना हमको थोड़ा इशारा कर देना। लेकिन एक महीना हो गया कोई बच्चे बात नहीं करते पिता से। फिर एक महीना बाद फिर बुलाए, बोले मधु जदू श्याम क्या हो गया? तुम लोग बोल रहे थे वृंदावन में व्यवस्था करोगे, अभी तक तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हो। इतना बोलते ही ना बहू आ गए तीनों बच्चों को लेकर के। अभी तक जिंदगी में जब से शादी हुआ कभी बूढ़े का चरण नहीं छुए पिताजी की। ए आज तीनों बच्चों को पिताजी की गोद में रख करके ना बारम्बार चरण धूल लेने लग गए। बोले पिताजी पिताजी आप कहाँ जाओगे वृंदावन में भजन करने के लिए? आपको अंतिम समय में कोई सेवा करने वाले नहीं होगा, देखने वाले नहीं होगा, पता नहीं आप क्या रहेंगे, क्या खाओगे, आप कहाँ वृंदावन में जाओगे, क्या करोगे, आपकी सेवा से हम वंचित तो हो जाएंगे। ऐसे रोने लग गए ना बारम्बार। बूढ़ा तो सरल था, इसकी आंखों से आंसू आ गया बहू की भक्ति देख करके। बोले हमें पता ही नहीं था तुम ही हमारी गृह लक्ष्मी हो, ये बच्चे ही हमारी गोपाल है, हमें जाने का वृंदावन जाने का जरूरत नहीं। ठीक है एक काम करो, मेरे को पता नहीं था बहुओं की इतना भक्ति थी, लेकिन वो कपट भक्ति थी है। बोले एक काम करियो, मेरे लिए एक भगवत गीता ला करके दे दो, मैं घर में बैठ बैठ कर गीता पढ़ लूंगा। बोले पिताजी कोई चिंता मत करो, हम गीता ले आए। लेकिन एक महीना हो गया गीता नहीं। उसके बाद में फिर बुलाए पिताजी, बोले तुम लोग बोल रहे थे कोई एक गीता ला दोगे घर में बैठ कर पढ़ूंगा। बोले पिताजी चिंता क्यों करते, ले आएंगे, जो मार्केट जाएंगे ले आएंगे। बड़ी कष्ट से एक गीता लेकर के आए। जब गीता लेकर के आए, जब पिताजी गीता खोल करके बैठ बैठ करके बोले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत जुजुस्सवा माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वन। जब पढ़ रहे थे ना, इतने में बहू आकर के बोले, बोले पिताजी घर में क्यों, वहां जाओ ना आंगन में बैठकर पढ़ो, वहां पर गेहूं चावल सुखाने के लिए दिया, लो डंडा लो, ये डंडे को लेकर के बकरी चिड़िया नहीं खा जाए, और उसको वो जाकर के आंगन में बैठो, वहां पर बैठ बैठ कर पढ़ो हैं। अभी फिर जब पढ़ने लग गए धर्म के थ्रे कुरुक्षेत्रे, इतने में बकरी आए तो उसको पीछे भागे, चिड़िया खाने आके लाए तो उसको पीछे भागे। फिर तीनों बहू ने तीनों बच्चों को ला करके पिताजी की गोद में बैठी दी। बोले ये तीनों बच्चों को भी देखो, बकरी और चिड़िया से इसको रखिया करो और उसको देखते रहो, देखते रहो, भजन करते रहो। एक श्लोक भी नहीं पढ़ पाए, क्योंकि श्लोक पढ़ने के लिए बच्चा रोने लग गया। इस बच्चा को रुकते रुकते दूसरा बच्चा रोने लग गया, फिर बकरी आने आने लग गया खाने के लिए, भगत बोले भजन हो गया, भजन हो गया। हम कहते घर में रह करके ना बड़े महाभागवत बन जाएंगे सबके सब, जो सोच रहे ना घर में रह कर भजन करोगे हैं, भजन क्या करोगे, बीवी बच्चे नाती पोती उनकी चक्कर में सब जीवन जाएगा। इसलिए पहले लोग क्या करते थे, घर में नहीं रहते थे, जानते घर में भजन नहीं होगा, घर में गृहांधकूपम, गृह भी अंधक हुए हैं, भजन करोगे बीवी बच्चों का भजन होगा, भजन भगवान की क्या भजन करोगे। इसलिए भक्त मोहन ठाकुर कहते ना उस कीर्तन में केवल अर्थ उपार जीव, क्या श्लोक कीर्तन है, हाँ गर्धवर मत आमी करी परिश्रम कार लागी एत्तो करी नागुज लभरम,
दिन भर काम धाम करके कैसे अर्थ कमाएंगे, कैसे बीजी को बीबी को खुश करेंगे, कैसे बच्चों को खुश करेंगे, कहाँ से अर्थ लाएगा, कहाँ इनको करेंगे। दिन रात तो पैसा, दिन भर पैसा पैसा करते जीवन तो जाएगा, भजन क्या करोगे? भजन भजन नहीं होगा। हम जो समझ रहे ना, शादीशुदा करके महाभागवत बनकर भजन करेंगे, हैं सब भजन भजन सर पर उठ जाएगी सबके सब। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कहते ये कहते मृत्यु जब निकट आ गया, समझ गए संसार त्याग करते हुए, यहाँ पर कहते हैं दो तरह का मुक्ति की बात बताई, एक सद्य मुक्ति और एक क्रम मुक्ति है, हैं दो तरह का मुक्ति की बात बताई। तो यहाँ पर कह रहे हैं हमको भगवान की भक्ति अभी कैसे करनी चाहिए, भगवान की भक्ति अभी कैसे करनी चाहिए। कहते जो बुद्धिमान व्यक्ति है, भोग स्प्रिया शून्य होकर के अनासक्ति रूप में जीवन में जो कुछ मिल जाता है इसको ग्रहण करते हुए हमें युक्त वैराग्य पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कैसे करके? बोले युक्त वैराग्य पूर्वक। इसलिए वैराग्य कितना तरह का? बोले पांच तरह का वैराग्य है। कितना तरह का है? क्या क्या है? एक है मर्कट वैराग्य, एक फल वैराग्य, एक श्मशान वैराग्य, एक प्रसव वैराग्य और एक है युक्त वैराग्य। हाँ, कितना वैराग्य हो गया? कितना हो गया? कल मैं सबको पूछूंगा, लिख रहे कि नहीं? चुपचाप बैठ कर सुने, सब लिखो। हम चाहते हैं एक बार तुमको पूरा भागवत सिखा दे, सब लिखो। इसलिए पहला वैराग्य क्या? बोले मर्कट वैराग्य। वृंदावन में तो बंदर बंदर है ही है, तुम सब बंदर को बंदर देखे हो? कौन कौन बंदर देखे? आउट हो तो सब देखे बंदर को। हाँ, ये बंदर को देखो, पूरा लगता है पूरा इसकी इससे बड़ा साधु जगत में कोई नहीं। कोई घर मकान बनाए नहीं, जो मिल जाता है वही खा लेता है, हैं? और वृंदावन का बंदर तो फ्रूटी फ्रूटी खाने में ताकती हो गए, हैं? ये चश्मा उतार कर ले जाते फ्रूटी खाने के लिए। इसलिए कहते हैं बंदर को ही फल मूल खा लिया, जो मिला वही खा लिया, घर नहीं। फिर नंगे पूरा नंगे साधु, हाँ नंगे साधु होते हैं ना, कौन से उनको क्या कहते हैं? नंगे नागा साधु, नंगे साधु पूरा पूरा नंगे रहते हैं, कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं, हैं? इसलिए कहते, लेकिन बड़ा कामी, इतने कामी ना सोच नहीं सकते, इतना काम उनके अंदर में, भोग की वृत्ति। दूसरा क्या है? वो अब बंदर को देखना ना, वो ऐसे देखेगा, वो फल ले रहा है नहीं तो कोई रोटी खा रहे, फिर वो देखेगा ना मुंह के इधर मोड़ते घूम लगा, जैसे इसको कुछ पता नहीं, एक थोड़ी सी इधर उधर वो झट छलांग लगाएगा लेकर के भाग जाएगा ये बंदर। इसलिए कहते इसको मर्कट वैराग्य कहते हैं, हैं? बंदर जैसे वैराग्य है, ऊपर से तो बड़े त्यागी का बेस है लेकिन अंदर में हृदय में संसार की भोग की वृत्ति, इसको कहते हैं मर्कट वैराग्य। दूसरा वैराग्य शमशान वैराग्य। जो व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति को मर जाते हैं जलाने के लिए ले जाते हैं, हैं? थोड़ी समय जो उसको जलाते ना, डंडे मार मार के सर को फोड़ते हैं और शरीर को कैसे जलाते हैं, जो उसको ले जाते हैं जलाने के लिए, थोड़ी समय के लिए मन में वैराग्य आता है, संसार झूठा, कोई किसी है ही नहीं, देखो इतने दुकान मकान सब बनाया, साथ में क्या गया? कुछ भी गया नहीं। इसलिए राम नाम सत्य करते करते ले गए, संसार धोखा है। इसलिए क्या करना है? बस खूब आज से ना खूब भजन करूंगा, हरि नाम करूंगा, खूब भक्ति करूंगा और ये घर गृहस्थी में माया संसार और मन दे दूंगा। लेकिन जब घर में आते हैं ना, बीवी जब थोड़ी मीठी मीठी बोली बोल दे, नाती पोती गोद में आकर चढ़ दे, पापा पापा बाबा बाबा बोल दे, बात उसको बाद में सारे वैराग्य खत्म हो जाती है, इसको कहते हैं श्मशान वैराग्य। तीसरा वैराग्य है फल्गु वैराग्य। ये फल्गु एक नदी है, ऊपर से देखोगे रेती रेती, लेकिन उसको थोड़ी सी मिट्टी हटाओ तो, रेती हटाओ तो उसका अंदर में क्या देखो, पानी की स्रोत बह रही है, हैं? इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। ऊपर में तो त्यागी है लेकिन अंदर में भोग की वासना है। इसलिए जो चौथा वैराग्य है प्रसव वैराग्य। प्रसव वैराग्य मतलब जब माताएं बच्चों को जन्म देती हैं उसमें बड़ा कष्ट होता है, जब बड़ा कष्ट होता है प्रसव प्रसव देते समय, इतने कष्ट होता है, कान पकड़ती हैं और बच्चा जन्म नहीं देंगे और संसार विषय भोग नहीं करेंगे। लेकिन जब बच्चा जन्म हो जाए ना, फिर उसको मुंह देखने लग जाए, फिर बच्चों को लाड़ प्यार करने लग जाए, फिर धीरे 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 फिर सारे वैराग्य खत्म हो जाते हैं, फिर दूसरे बच्चे देने के लिए फिर तैयारी हो जाती है। इसको कहते हैं कौन सा वैराग्य? ये है, ये प्रसव वैराग्य है। कितना हो गया? चार।
कहते जो पंचमा वैराग्य वाले युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य उससे कहते हैं युक्त आहार विहार युक्त चेष्टा सुकर्मसु। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, कहते ये शरीर निर्वाह के लिए जितना जरूरत है उतना ग्रहण करनी चाहिए, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा ग्रहण करोगे तो भोगी बन जाओगे, अगर कम व्यवहार करोगे ना रोगी बन जाओगे। कम व्यवहार नहीं करनी चाहिए और ज्यादा व्यवहार नहीं करनी चाहिए। ये शरीर को निवाह करने के लिए, क्योंकि चूंकि ये शरीर से भजन भगवान का भजन होगा, ये शरीर नहीं रहेगा तो भजन ही नहीं होगा, शरीर होगा तभी तो भजन कर सकते हैं ना, हैं? इसलिए शरीर नहीं होगा तो भजन कहाँ से करोगे। इसलिए इस शरीर की निर्वाह के लिए जितना जरूरत है उतना ग्रहण करते हुए क्या करो, हरे कृष्णा हरे बोलो, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, और एक बार जोर से बोलो बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जितना स्वाभाविक रूप में भगवत प्रदत्त वस्तु सकल को रहते हुए क्या करो, भगवान के भजन करो। इसलिए हैं वृथा प्रयास के लिए आवश्यकता नहीं, मतलब बहुत ज्यादा दिन भर केवल खाने 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 के लिए अगर सारा दिन अगर उसमें लगा दिया, पर समय कहाँ भजन करने के लिए। इसलिए यहाँ पर बताए बोले, सत्याम की तम की कसीपैर प्रयासई बाहोर स्वसिधे हुपवर नने किम। तब यहाँ पर कहते हैं, कहते भैया हैं, तब कहते भैया आप कहते हो युक्त वैराग्य के रूप में जो कुछ मिल जाए उसको ग्रहण करते हुए भजन करो। जैसे ठंडा का समय यहाँ आता है ना, ठंडा का समय में कितना ठंडा लगता है आपको पता है। बोले ठंडा लगेगा तो भैया वस्त्र भी तो जरूरत है ना ठंडा के लिए। तब जब वो कहते हैं तो बड़े आक्षेप पूर्वक कह रहे, बड़े क्रोधित तो होकर के बोले, क्यों? जब एक व्यक्ति मर जाते हैं आप देखना बहुत सारे कपड़ा फपड़ा को लेकर शमशान में फेंकाते हैं, कहते उसको जमुना में धो दो सुखा करके व्यवहार कर लो, उसको धो करके क्या करो, क्योंकि त्यागी लोग हैं ना, त्यागी हो क्या जरूरत है, क्या करो यमुना में धो दो, धो करके उसको अपना जीवन में व्यवहार कर लो, हैं? उसको इस कर, कहते भैया भूखे ना भजन हो, ले ले तेरे कंठी माला, भूख में तो भजन नहीं होता है। जब भूख लगेगा फिर हम भोजन क्या करेंगे। तब यहाँ पर कहते हैं, कहते अंग्रीपा, अंग्रीपा मतलब वृक्ष, कहते क्या पेड़ क्या फल फूल देना क्या छोड़ दिया है, ये पेड़ भी तो फल फूल दे रहे हैं, ये पेड़ का जो फल फूल उसको खा करके भगवान की भजन कर लो, हैं? इसलिए तब यहाँ पर कहते हैं ये जो वृक्ष कौन है, कहिए परोपकारी, हर समय दूसरों को उपकार करने वाली ये वृक्ष है। कहते भैया अभी पीने के लिए पानी तो चाहिए ना, बोले पीने के लिए पानी चाहिए, बोले भगवान गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कितने भगवान ने नदी बनाया है, पानी को पी लो, नदी का पानी पी लो। बोले भैया कोई पात्र तो होनी चाहिए, बोले भगवान अंजलि दिया है ना, अंजलि क्यों दिया है, ये हाथ में उठा करके पानी को, हाथ में उठा करके पानी को पी लिया करो, हैं? तब यहाँ पर कहते भैया देखो, हाँ नदी की, कहते क्या कोई नदी क्या सूख गए हैं। तब कहते भैया जैसे बहुत जोर से जब बारिश ही होता है ना, हैं शिलावृष्टि होता है, बारिश ही होता है, बोले फिर उससे हम बचेंगे कैसे। बोले देखना पर्वत में बड़े सुंदर सुंदर गुफाएं भी हैं, बड़े सुंदर सुंदर गुफाएं हैं, बोले वो गुफाएं में रह कर भजन कर लो। बोले सोएंगे क्या, हैं सोएंगे कि सोएंगे कैसे, बोले भगवान ने क्या किया, कितने सुंदर ये पृथ्वी को हरा भरा बनाया, सो जाओ पृथ्वी को कितना सुंदर बनाया, सो जाओ। बोले सोएंगे आप बता रहे हो लेकिन बगैर तकिया के तो नींद नहीं आएगी, बगैर तकिया के नींद नहीं आएगी। फिर तकिया, बोले भगवान हाथ दिया है ना, हाथ को तकिया बना दो, हैं? कहते हैं, कहते भैया अगर कोई शेर आकर खा जाएगा तो फिर क्या होगा, जंगल में भालू शेर है ना, सब खा जाएगा तो क्या होगा। बोले भगवान की अपना भक्त वत्सलता को क्या भगवान ने छोड़ दिया, भगवान खुद कहते हैं कौनते प्रतिजानी न मैं भक्ता परिणति, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं,
तब यहाँ पर श्री, इसलिए यहाँ पर कहते भैया, इसलिए क्या करो, भगवत इच्छा से जो उपयुक्त वस्तु मिलता है उसको प्राप्त करते हुए क्या करो, भगवान की भजन में लग जाओ, भगवान की भक्ति में भगवान की लग जाओ। लेकिन यहाँ पर कहते हैं, लेकिन कभी कभी देखो ये जो समय था ये कब का समय था, ये पहले जंगल में फल फूल से भरा होता था, फल फूल में गुफा हुआ करता था। जैसे हमारे श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज नाव की जो छैया होता था उसको ही भजन कर देते थे, किसी पायखाना को अंदर में बैठ कर भजन कर देते थे। लेकिन जब श्री प्रभुपाद आए ना, लेकिन पहले पहले देखना जो भजन करने वाले बहुत कम व्यक्ति, जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का एक शिष्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर हुए, भक्ति विनोद ठाकुर का दो चार शिष्य कोई गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हुए, और उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर दिया जिंदगी में कभी शिष्य बनाऊंगा नहीं। इसलिए प्रभुपाद को बहुत कष्ट करके तो एक शिष्य को उन्होंने जीवन में उन्होंने ग्रहण किया, केवल एक शिष्य, किसको, श्रील प्रभुपाद को शिष्य ग्रहण किया। लेकिन इसको बाद में जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद आए, जो बृहत रूप में जो दिखाई पड़ता है सर्वत्र ये तिलक कंठी माला ये धारण करते हुए भजन करते हुए, कहते ये प्रभुपाद ने आ करके फिर ये बृहत रूप में इन्होंने सबको सुजोग देकर भजन किया। इसलिए प्रभुपाद ने ही आ करके ये जो मठ मंदिर में रह करके भजन का व्यवस्था प्रभुपाद ने किया। भले उन्होंने प्रभुपाद ने इसको व्यवस्था क्यों किया है, कारण किया, बोले कारण है, कहते पहले केवल अधिकारी लोग ही भजन के लिए आते थे, अनधिकारी व्यक्ति कोई नहीं आता था। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कोई बन सकता है, पेड़ को नीचे रह के भजन कर सकते हो? हाँ, गुरुदेव ने कितना सुंदर मंदिर बनाया, फिल्टर पानी, और रोज रोज भंडारा हो रहा है, रोज रोज भंडारा हो रहा है, लेकिन इसको अंदर में भी लोग रह नहीं पाते हैं, इसको अंदर में भी लोग रह नहीं पाते तभी चले जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे बादाम चाल और गौआ घी, बादाम चाल मतलब है बंगाल का सबसे बेस्ट चावल है, गैया घी, गैया का घी अगर चावल जब में गर्म भात में घी में दे करके ना, अगर आलू से तो दाल मिल जाए ना बंगाली भक्तों को तो भगवान मिल गए, बस और कोई चीज नहीं चाहिए, हैं, चावल में थोड़ा घी डाल दो और इसमें थोड़ी सी दाल पतला पतला डाल और तो आलू सीधा हो जाए, आलू चोखा हो जाए, बस और किस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ने इस व्यवस्था क्यों किया है, कारण किया, बोले इसलिए प्रभुपाद ने किया है जो अनधिकारी व्यक्ति है, हैं, जला दिया जो अनधिकारी व्यक्ति को धीरे 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 कैसे भक्ति में उनको लाया जाए, इसलिए प्रभुपाद ने इसे व्यवस्था किया है। धीरे धीरे मंदिर में रहे, इसलिए प्रभुपाद कहते थे किसी तरह से एक जीवन मठ में बिताओ, प्रभुपाद कहते थे, मेरे गुरुदेव भी यही कहते थे, क्योंकि मठ में जैसे मंगला आरती है, हरि कथा है, जैसे कीर्तन है, घर में ये बात हो पाएगा, घर में रह कर हो पाएगा, हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्रभुपाद धीरे धीरे जीवों को धीरे धीरे अधिकार दे करके भक्ति में धीरे धीरे बढ़ाने के लिए प्रभुपाद ने ये सब व्यवस्था किया है। प्रभुपाद ने धीरे धीरे सब जीवों को कैसे भक्ति में अधिकार मिले। फिर भक्त लोग फिर क्यों भिक्षा के लिए क्यों जाते हैं, फिर इसको कल सुनेंगे तब प्रभुपाद क्या बोलते हैं, ठीक है। बोले भंशा कल कृपा सिंधु भय बचो पत्ता नाम पावन भो वैष्णव भो नमो नमः।